वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट एडिटिंग अजीत। दोस्तों सभी को पता है 15 अगस्त आने वाला, तो क्यों ना मैं सोचा कि 15 अगस्त पे एक फोटो एडिटिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, वीडियो बहुत अच्छी बनी है। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। चलते हैं हमारे पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आने के बाद में हमें लेना हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इजी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेने के बाद में हमें लेनी है हमारी फ़ोटो, तो प्लस पे जाके या ऐड फोटो पे जाके हमारी फ़ोटो लेनी है। ये कुछ इस तरह से आपको अपनी फ़ोटो को क्लिक करवाना। तो अभी मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने में थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड रेज हमारा हो चुका, तो जो हमें इस पर बैठे हैं इसको हमें थोड़ा थोड़ा रेज करना है, इसलिए हमें जाना है यहाँ पर ब्रश पे। ब्रश पे जाने के बाद हमें करना है इरेज पे। इरेज पे जाके कैपेसिटी को करना इतना नो हार्डनेस को करना, नो कैपेसिटी को करना 25। और अभी हम इसको हल्के हल्के से करते हैं इरेज यहाँ से। यहाँ से हमें इसको हल्के हल्के थोड़ा करना इरेज। पहले हम फोटो को सेट कर लेते हैं जहाँ तक हमारी हमारी फ़ोटो लगानी है। इतनी सही है। तो अभी हमें इरेज पे जाके, इरेजर पे जाके हार्डनेस को कम करना, कैपेसिटी को कम करना है। और हमें हल्के हल्के यहाँ से कुछ किस तरह कर देना ताकि फ़ोटो रियल लगे। तो बैकग्राउंड हमारा सही हो चुका। तो अभी हमें लेनी है फ्लैग की PNG। तो मैं उसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप इजी डाउनलोड कर सकते हो उसे भी। ये हमारी फ्लैग की PNG है। और कुछ ये सारी PNGs मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं डाउनलोड। कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर लगाना है। अब ये इसको हम इरेजर पे, इरेज पे जाके और करते हैं यहाँ से इरेज। हार्डनेस को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा ये लगेगा। अभी हमें इसको थोड़ा, अरे यार, कुछ इस तरह से हमें फोटो को बनाना है। तो अभी हमें इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद कलर ग्रेडिंग करने के लिए हमें जाना लाइट रूम में। हम सेव कर लेते हैं, अभी चलते हैं लाइट रूम में। तो सेव हो चुके हमारी फोटो को, चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद में हमें हमारी फ़ोटो को ले लेना है। फ़ोटो हमने ले लिया, तो लाइट पे जाना। लाइट पे जाके एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना, कॉन्ट्रास्ट को कम करना, हाईलाइट को भी कम करना है, शैडो को भी कम करना, वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना, ब्लैकनेस को कम करना। अभी चलते हैं कलर में। कलर में जाने के बाद में मिक्स में जाना। मिक्स में जाने के बाद में तो येल्लो, येल्लो को कम कर देना बिल्कुल, सेचुरेशन को बढ़ा देना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। ऑरेंज पे जाते हैं, ऑरेंज ब्लू को थोड़ा कम करना, माइनस करना है, सेचुरेशन को माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ाना है। रेड वाले पे जाके सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना, ब्लू को अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। अभी चलते हैं इस पे जाने के बाद में थोड़ा ग्रेडिएंट डालना है, इसको बढ़ा देना है, क्लियरिटी को बढ़ा देना है, टेक्सचर को बढ़ा देना है। फिर जाना है ट्राइंगल वाले पे। ट्राइंगल वाले पे जाने के बाद में नॉइस रिजन को बढ़ा देना है। फोटो हमारी एकदम तैयार है, बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा कि बैकग्राउंड चेंज है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।